तो चलिए जानते हैं कहाँ वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, तथा आपके एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ लगेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ स्टेप वाइज समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आ जाते हैं इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर। ठीक है, इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ से आप इसके कैरियर वाले सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं वहीं से जाके खोल लेता हूँ। ये आ गए हम नोटिफिकेशन पे। ठीक है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से निकाला गया 36 फील्ड एनिमेशन रिपोर्ट पिन 900484CO56APU। तो रिक्रूटमेंट नोटिस जो है अलग अलग पोस्ट के लिए है, जिसमें से पहला पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट का, दूसरा पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का, तीसरा है फायरमैन का, चौथा है ट्रेड्समैन मेट का, पाँचवा है MTS का, छठा है ड्राफ्टमैन का। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो ट्रेड्समैन के लिए है। ठीक है, लगभग 150 पोस्ट है। बाद बाकी आपका मटेरियल असिस्टेंट दो तीन पोस्ट है टोटल, जिसमें दो अनरिजर्व है, जनरल है, एक OBC के लिए है, ठीक है, और एक ESM के लिए है। यहाँ पे इसकी सैलरी रखा जो रखा गया है वो 29,200 है, LDC का 19,900 है, फायरमैन का 19,900 है, ट्रेड्समैन टोटल 150 पोस्ट है, 18,000 इसका सैलरी रखा गया है। MTS गार्डनर और मैसेंजर, गार्डनर के लिए दो पोस्ट है, मैसेंजर के लिए एक पोस्ट है, इसकी सैलरी भी 18,000। ड्राफ्टमैन एक ही पोस्ट है, इसकी सैलरी 25,500। ठीक है दोस्तों, द वैकेंसी ऑफ PH एंड एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड जस्ट अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो यह इस वाले जो वैकेंसी है उसमें कुछ पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे कितने पोस्ट में कितने सारे एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। लास्ट डेट है जब से ये नोटिफिकेशन आया है, निकल आया है नोटिफिकेशन, तो कल से लेकर 21 दिन के अंदर आपको भर देना है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख, सब डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको 28 दिन का समय मिलेगा। आपको ये डिटेल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लीकेशन फॉर्म जो है indianarmy.nic.in पे मिल जाएगा, या फिर www.ncs.gov.in पे भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए जैसे दिया हुआ है मटेरियल असिस्टेंट 29,200 इसकी पे स्केल रहेगी। इसके लिए चाहिए आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपके यहाँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मटेरियल मैनेजमेंट में अगर आपको डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन, अगर आप किसी भी प्रकार से आप डिप्लोमा कर रखे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है तीन है, एक है OBC के लिए, दो है अनरिजर्व के लिए, और एक वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। LDC उसी तरह से है, अगर आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैलरी 19,900 है। यहाँ भी जनरल के लिए दो है, OBC के लिए एक है, टोटल तीन है, और एक जो है वह एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। फायरमैन 19,900 इसकी भी सैलरी है। यहाँ मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। यहाँ पे हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट मांगा गया है 81.5, चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद जो है वो मांगा गया है 85, वेट जो है कम से कम 50 kg का होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होगा, रन 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, लगभग 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। उसके साथ ही इस फिजिकल टेस्ट में होगा 63.5 kg का कोई बैग लेकर के आपको 183 मीटर 96 सेकंड में भी कंप्लीट करना होगा। तो यह भी होगा क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग एट बोथ फीट, लॉन्ग जंप वगैरह सब भी करना होगा, क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग, मतलब जो रस्सी पे चलते हैं वो वाला भी टेस्ट इसमें देना होगा। ये टोटल 14 वैकेंसी है फायरमैन का, इसमें भी एक वैकेंसी जो है हैंडीकैप के लिए रिजर्व रखा गया है। ट्रेड्समैन ये इसमें बहुत सारा 150 पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो रिटेन होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, इसमें भी 1.5 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर दौड़ना है,
साथ ही 50 केजी का वेट उठा करके आपको 200 मीटर 100 सेकंड में पूरा करना है। इसके लिए जो चाहिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में रिटन टेस्ट भी होगा, ये फिजिकल टेस्ट है 1.5 किलोमीटर का। यहाँ पे 94 ऑन रिजर्व है, 31 जो है वो SC ST के लिए है, 25 जो है OBC है, टोटल 150 पोस्ट है। यहाँ पर 32 वैकेंसी जो है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, 3 हैंडीकैप के लिए रिजर्व है, 5 हैंडीकैप में ही अगर एक सर्विसमैन है तो उनके लिए रिजर्व रखा गया है। MTS में रिटेन एग्ज़ाम होगा, यहाँ भी आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, 18,000 सैलरी है। यह मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, रिटन टेस्ट होगा, 2 वैकेंसी है, इसमें से 1 जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। MTS मैसेंजर के लिए 18,000 सैलरी रखा गया है, एक ही वैकेंसी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, अगले पेज पे क्या दिया हुआ। यहाँ पर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है 25,500, इसके लिए चाहिए आपको मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मैट्रिकुलेशन चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा या फिर 2 ईयर ड्राफ्ट मैन में अगर आपका ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिटेन टेस्ट होगा, एक ही पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कहीं भी किसी चीज़ के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अब बात आता है कि आपका एज कितना चाहिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जो है OBC के लिए 3 साल रहेगा, SC ST के लिए 5 साल रहेगा, ठीक है। 18 से 25 साल के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर OBC को 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा और SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो हैंडीकैप्ड है SC से तो 15 साल, हैंडीकैप है अगर ST से तो भी 15 साल, OBC का हैंडीकैप है तो 13 साल का एज लिमिट और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, वैकेंसी का करना क्या है। कैंडिडेट विल फॉलो एप्लीकेशन प्रॉपरली सील्ड, मतलब आपको ऑफलाइन ये इसके नीचे एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन आपको इसके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्या क्या चाहिए भेजने के लिए, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हैंडीकैप है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके अलावा इनकम्प्लीट एलिजिबल अप्लीकेशन विल बी डैम्ड विदाउट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको वहाँ से ऑटोमेटिक आपके फॉर्म को छाट दिया जाएगा। इट इज़ मेड क्लियर दैट मेनली फुलफिलिंग द बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटायरली पर्सन इज कॉल्ड टेस्ट, द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस। उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको यह नहीं है कि दूसरा कोई लगवा देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रखना। जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो ये सिलेबस दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 25 नंबर का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट 25 नंबर का होगा, जनरल इंग्लिश 50 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा, ये टोटल है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आगे चलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है जानने के लिए। ये आ गया आपका फॉर्म आपका पार्ट 1 फॉर्म है ये, ठीक है। उसके अलावा ये पार्ट 2 फॉर्म है, ये जो एडमिट कार्ड के लिए आएगा, ये पार्ट 2 फॉर्म है, इसको भर दीजिएगा। उसके अलावा ये वाला फॉर्म भी भर लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। भर करके आपको भेज देना है, इस वाले एड्रेस पे, ठीक है। आपको भेज देना है इस वाले एड्रेस पे, एड्रेस है यहाँ पे, पूरी तरह से सील पैक करके इस वाले एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।